guidelines in management of depression. श्वास छोड़ते हुए वापस आई, पीठ के बल विश्राम, उत्तान पादासन, पैरों को मिलाई, हाथों को शरीर के रात में सीधा कीजिए, हथेलिया जमीन पर हो, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाए अपने क्षमता के अनुसार। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाई, विश्राम कीजिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए, देखिए क्षमता बढ़ जाती है आसन अभ्यास। अर्ध हलासन, दोनों पैरों को मिलाई, हाथों को जंघाओं के पास रखी, श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। जो इस प्रकार न कर पाए वे हाथों का सहायता ले सकते हैं। मित्र से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आई, विश्राम, पवन मुक्तासन, अपने पैरों को मिलाई और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आई, दोनों हाथों को हाथों की उंगलियों की आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपनी पुट्टी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। पवन मुक्तासन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाए, पैर को सीधा की, शरीर को सीधा की, विश्राम। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करें। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं, हथेलियों को आसमान की ओर खुली रखें, हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें, आंखें बंद कीजिए, एक बार गहरा लंबा श्वास कीजिए, धीरे से श्वास छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें, धीरे से शिथिल हो जाए, पूरा शरीर जमीन के संपर्क, विश्राम